भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों देश के 3 नवे खेती कानूनों रद्द करने के ऐलान तो बाद भारत के किसान ते उन्होंने समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दूजे पास किसान लीडर का कहना है कि वह अपनी सारिया मंगा मनवाए बिना अंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इस दौरान कल GTA में किसानों की जीत की खुशी में एक विशाल रैली कढ़ी गई। जदों मेरे घरदियां दी मैनूं कॉल आई रात नूं 1 वजे होया सी ते मैं इन्ना क ज़्यादा खुश हो गया उस टाइम दे विच। मैं कहा यार भी ये की हो गया, मैं उन्हां नूं 2-3 वारी पुछया सच्ची क्योंकि असीं कदी भी सोचिया नहीं सी कि इन्नी जल्दी मोदी गवर्नमेंट मान जाएगी। जिदां कि 1 साल हो गया, 1 साल तो इदां ही कम चल रहा। सो इस परपज़ दे लई असीं अज इत्थे एक रैली कढ़ी है, खुशी दे विच रैली कढ़ी है, तां कि उन्हां सारिआं नूं ट्रिब्यूट दित्ती जावे, उन्हां सारिआं नूं शरधांजली दित्ती जावे। मैनूं कल ही पता लग्गिआ, कम्म ते सीगा जदों मैं वी उह कहिंदे वी फार्मर्स लॉ वापस हो गई, ते मैं उदों ही सारी न्यूज़ देखण लग गया ते मैं अपने फादर नाल गल की तो कहिंदे हाँ जी वापस हो गया। पर एक बारी होया जिद्दां कि ये पॉलिटिक्स हो सकती है, पर बहुत खुशी की गल है। जो भी होया तो सानू सारे नूं बहुत खुशी आ, ते यूनिटी हुण इदां ही रहूगी। ये बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया इस प्रोटेस्ट तो। जिहड़े 600 तों ज़्यादा लोकां ने जानां गवाईआं ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਉਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।